गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा, द सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात पर विश्वास करती है कि किसी भी संगठन के प्रभावकारी प्रबंध के लिए एक आवश्यक है कि किसी संगठन की एकीकृत प्रणाली के रूप में समझा जाए। दूसरे शब्दों में प्रणालीगत विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों का एक संकलन नहीं मानती, बल्कि एक ऐसी प्रणाली के रूप में मानती है जिसे एक और तो अनेक आंतरिक उप प्रणाली होती है और दूसरी और उसका अपना वातावरण होता है। इस वातावरण पर स्वयं संगठन एवं उसकी आंतरिक उप प्रणाली प्रभावित होती है तथा प्रणाली तथा वातावरण को प्रभावित भी करती है। अतः यह विचारधारा इस मत पर है कि संगठन के कुशल प्रबंध के लिए संगठन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझना चाहिए जिससे वे अनेक अंतर संबंधित प्रणालियाँ होती हैं। विशेषता और मान्यता इस प्रकार है इसकी। प्रणालीगत विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध एक ऐसे संगठन का प्रबंध करते हैं जो एकीकृत प्रणाली है। दूसरी है, इसके समर्थक संगठनों को एक कुशल प्रणाली है के रूप में मानते हैं। इसमें वातावरण में प्राप्त साधनों और संगठन के प्रयासों की रूपांतरण को पुण्य वातावरण के लिए माल या सेवा उपलब्ध की जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में रहने वाली कमियों को दूर करने के लिए पुण्य निवेश की प्रक्रिया भी चलती रहती है। थर्ड है, इसमें यह स्पष्ट होता है कि कोई भी प्रबंध संगठन में अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वातावरण की आवश्यकता के अनुसार ही संगठन का संचालन करता है। संगठन गतिशील प्रणाली है जिसकी परिस्थितियों के सदैव परिवर्तित होती रहती है, अतः प्रबंध को सदैव ही गतिशील परिस्थितियों में निर्णय लेने चाहिए। प्रगतिशील विचारधारा समग्र प्रणालियों की एक केंद्रीय बिंदु मानती है। प्रणाली की उप प्रणाली अपने आप ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, किंतु उनके स्वतंत्र योगदान को महत्व तक नहीं होता जब तक प्रत्येक उप प्रणाली संपूर्ण प्रणाली के समन्वय रूप में योगदान नहीं देते। अतः प्रत्येक प्रबंधक संगठन को संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग विभागों के रूप में। यह विचारधारा ये मानती है कि संगठन बहुआयामी, बहुस्तरीय, बहुतत्व युक्त प्रणाली है। अतः ये संगठन प्रणाली के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है, इसलिए इसकी प्रबंध के लिए भी बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। ये विचारधारा ये मानती है कि संपूर्ण संगठन विभिन्न कार्य विभागों संकल्प मात्र नहीं बल्कि एक समन्वित और एकीकृत इकाई है। ये विचारधारा ये मानती है कि संगठन के विभिन्न भागों को पृथक पृथक सफलता से संपूर्ण संगठन की सफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सभी विभागों की सफलता तभी महत्वपूर्ण होती है जब प्रत्येक विभाग संपूर्ण संगठन की सफलता में योगदान देते हैं। प्रत्येक संगठन का लक्ष्य प्रधान प्रणाली है, वे अपने वातावरण की उप प्रणाली है। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है, प्रत्येक प्रणाली उत्पादन उसकी उप प्रणाली की कुल उत्पादन से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, जब सभी उप प्रणाली संबंधित रूप से संपूर्ण संगठन की सफलता के लिए मिलकर कार्य करती है तो उनका कुल उत्पादन उनके व्यक्तिगत उत्पादन के योग से अधिक होता है। आज के लिए इतना ही। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। धन्यवाद।